दर्शकों ने इस वक्त देखा कि जैसे ही शोएब जमाई ने बोलना शुरू किया, सारे यहाँ हिंदू मिलके पत्थरबाजी करने लगे और मैं चुप हो गया। यही इस देश की माइनॉरिटीज का हाल है, इस देश के अल्पसंख्यक का यही हाल है। ये लाइव डेमो था इसलिए मैं चुप रहा। अब आप मैं बात बताता हूँ, लाइव डेमो करूं मैं आपके साथ अभी? एक लाइव डेमो करूं मैं आपके साथ गंगा जमनी तहजीब का? मैं चूड़ियां बेचता हूं, चूड़ियां दिखाइए इनको स्क्रीन पर। मैं हूं शोएब जमाई, एक अभी मैं गंगा जमनी तहजीब का लाइव डेमो करता हूं इनके साथ। बड़ा लाइव डेमो का आपको शौक है ना? आप भी गंगा जमनी तहजीब में भरोसा करते हैं ना शोएब जमाई? अरे भाई क्यों नहीं बुला रहा था यार, क्यों अभी करते हैं ना? तरावी का वक्त हो रहा है भाई, मंदिरों में छोड़ दूंगा, मंदिरों में नमाज भी हो रही है, ईदी भी हो रही है, और यहाँ देखिए मुस्लिम मोहल्ले में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो रहा है और आप आकर हंसते हैं, आप दांत फाड़ते हैं, आप मुस्कुराते हैं। सुन लो, पीटा गया, कूटा गया, पत्थर मारे गए उन पर, हिंदू भाइयों पर, और आप हंस रहे हैं। तुम्हारे त्योहार बीएचपी वालों के लिए जो है नफरत फैलाने की वजह बन गई है। नवरात्रा आया तो सारे मुसलमानों की दुकान बंद करवा दो, जगराते करेंगे तो रात रात भर डीजी बजा करके मस्जिदों के सामने परेशान करेंगे, रैलियां निकालेंगे तो मस्जिद के सामने जाके प्रवोध करेंगे। ये कौन सा त्योहार? तुम्हारे त्योहार धर्म आपको सिखा आपने? ये इनकी गंगा जमनी तहजीब है, इनकी भाषा देखिए, कह रहे तुम्हारे त्योहार हिंदुओं, तुम्हारे त्योहार। सुनिए इनको, इनका चेहरा देखिए बहुत ध्यान से, ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं, इनकी भाषा देखिए, कह रहे हैं तुम्हारे त्योहार। आप लोग सेकुलरिज्म की सेवैयां खिलाएं इनको, इनका चेहरा दिखाइए, आप लोग सेकुलरिज्म की सेवैयां खिलाएं इनको, मंदिरों में ईद बनाएं, गुरुद्वारों में नमाज पढ़ाएं और रोजे खुलवाएं मंदिरों में, और ये लोग कहते हैं तुम्हारे त्योहार, हिंदुओं तुम्हारे त्योहार आते हैं, शर्म नहीं आती है कहते हुए? बड़ी बड़ी बातें करते हैं गंगा जमनी तहजीब की, एक शब्द नहीं निकला कि गलत हुआ, एक शब्द नहीं निकला तुम्हारे मुंह से कि गलत हुआ शोएब जमाई, गलत हुआ हिंदुओं के साथ जो उन पर पत्थर बरसाए गए, और आप मुझे कह रहे हैं मैं भी पत्थर लेकर बैठा हूं, धमकाते हैं क्या आप? आप धमकाते हैं क्या हम लोगों को? आप हिंदुओं को धमकाते हैं क्या? पत्थर लेकर बैठा हूं मैं? शोएब जमाई गुड़गांव में आप नमाज पढ़वा रहे थे, वो हमने देख लिया। हाँ कि कितना गंगा जमनी तहजीब है आपकी। नहीं क्या बोल रहे, सवाल पूछे ना, क्या कह रहे हैं आप? नहीं मैंने कहा गुड़गांव में जिस तरह से आपने एजेंडा चलाया, मुसलमानों को परेशान किया, वो कहां गंगा जमनी तहजीब थी? गंगा जमनी तहजीब करते हैं ना, चलिए मेरी बात सुनिए, अब ये हर बार एक टेस्ट होता है जिनका लाइव टेस्ट लेते हैं। गंगा जमनी तहजीब ना, मैं हिंदू हूँ, चलिए मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ ना शोएब जमाई, मैं हिंदू हूँ, मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं बोलता हूँ, आप बोलिए हर हर महादेव, बोलिए, मैं बोलता हूँ अल्लाह अकबर, आप बोलिए जय जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, हिम्मत है बोलने की, बोलिए आप, एकम ब्रह्मा द्वितीयम किंचित नास्ति, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए ना, बोलिए जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव, बोलिए जय श्री राम। छोड़िए ना शोएब जमाई, घरों में पत्थर रखते हैं, यहाँ पर आकर दांत फाड़ते हैं हिंदुओं को, हिंदुओं को गली में मारा जा रहा है और आप हंसते हैं। चलिए ठीक है, हो गया, अम्मू साहब आप बोल लीजिए, मुझे लीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना। अम्मू साहब, अम्मू साहब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये शोएब जमाई नाम का एक आतंकी आप हर बार चैनल पर बिठाते हो साहब, ये नमूना आप बिठा के रखते हो, आप इनके साथ बैठ के कर रहे थे गुड़गांव में नमाज वाले मुद्दे पर, मुझे ज्ञान दे रहे हैं सर? अम्मू साहब आप इनके साथ बैठ के कर रहे थे? नहीं हमने नहीं किया, ना ना ना, अरे इनके साथ को बैठने की बात कर रहे हैं, हम तो इनको घर में घुसने ना दे, इनके साथ कौन बैठना चाहेगा, ये देश विरोधी लोग हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लो उससे, प्रेम शुक्ला, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड, प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, प्रेम शुक्ला न्याय हो पाएगा ब्रेक पर जाना उससे पहले, प्रेम शुक्ला करौली मामले में न्याय हो पाएगा ये भी आया गया? देखिए जिस तरह की, देखिए जिस तरह से विकृत सांप्रदायिक सोच शोएब जमाई ने प्रकट की है, वह विकृत सांप्रदायिकता करने वालों और उनको संरक्षण देने वाले अशोक गहलोत के राज में कहीं से न्याय की अपेक्षा करना अतिशयोक्ति होगी। यह विकृत सांप्रदायिकता को पालने पोसने वाले लोग हैं, इसी कारण जिस तरह वो वहां पर करौली में हुए अन्याय के समर्थन में हंस रहे हैं श्रीमान शोएब जमाई, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह सांप्रदायिक जहर फैलाने वाले समाज के विकृति को प्रकट करने वाला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, तुरंत हाजिर होंगे, छोटा सा ब्रेक ले रहे।